खबर मंत्रियों से जुड़ी है। उत्तराखंड में मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया और कई महीने बीत गए, बावजूद इसके प्रभारी मंत्रियों की अपने जिले में जाने की दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा संगठन कई बार ये कहता नजर आ चुका है कि मंत्रीगण अपने जिलों में प्रवास करें, जनता दरबार लगाएं, लोगों की बात सुने, मगर ना तो मंत्रियों का जनता प्रेम दिखाई दे रहा है, ना ही प्रभारी अपने जिलों में प्रवास करते दिख रहे हैं। इस बारे में जब एबीपी गंगा ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि रेगुलर अपने जिलों के दौरे पर जा रहे हैं। इतने दौरे मैंने किए हैं अपने जिले के, मैं उधम सिंह नगर का प्रभारी मंत्री हूँ और प्रभारी मंत्री बनने के बाद लगभग मैं 7 बार वहाँ जा चुका हूँ। आज मेरी डीएम से बात हुई है और कल मैं एक वर्चुअल मीटिंग भी कर रहा हूँ, क्योंकि 9 तारीख को सभी प्रभारी मंत्रियों ने जो है अपने अपने प्रभारी जिलों में रहना है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि हमारे सभी मंत्री लगभग अपने जिलों में जा रहे हैं। अब कांग्रेस अपना काम कर रही है, उनके पक्ष में कुछ ना कुछ बोलना है मैं नहीं समझता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इस बारे में बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है। कुमाऊं के जो हमारा संभाग कार्यालय वहां पर बैठने का उन्होंने अपना निश्चित किया है और उन्होंने कहा है कि तमाम जो मंत्री हैं वो दिनवार निश्चित करके पार्टी मुख्यालय में बैठेंगे और यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ साथ बहुत पूरे प्रदेश के तमाम ऐसे लोग आते हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, जो अपनी बातों को लेकर के आते हैं, उनकी बातें सुनी जाए, कार्यकर्ताओं की भी जो समस्याएं क्षेत्र की होती हैं उनकी भी बातें जो है यहाँ पर सुनी जाए। कुमाऊं के जो समीक्षा करने के लिए दरबार जरूर लगाना चाहिए कि जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के ने फैसला दिया था कि जितने भी सांसद हैं वो एक एक गांव को गोद लेंगे, तो उत्तराखंड के 5 सांसदों ने जिन गांवों को गोद लिया था उनकी वस्तुस्थिति आज क्या है, क्या उनमें डेवलपमेंट हुआ है, इसके लिए एक समिति बना के उनका रात्रि विश्राम अगर उन 5 गांवों में वो करवाएं और उसका जो रिजल्ट है उसको सबके सामने रखें, तब मुझे लगेगा कि उनके ये कहने में। तो प्रवास को लेकर के पक्ष विपक्ष का क्या कहना है आपने देख लिया, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये समझने के लिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी पंकज राणा का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि नेतागण जब वोट अपील करनी होती है, वोट मांगना होता है, तब तो हर जगह चले जाते हैं, हर एक क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन अब जब आदेश दिया गया है कि जाकर के अपने अपने क्षेत्र में प्रवास करें तो यहाँ पर गंभीरता नजर आती है या नहीं, हमारे सहयोगी पंकज से जुड़ेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दिक्कत कहाँ आ रही है और कितने मंत्री कितना प्रवास करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और अगर दिलचस्पी दिखाई जा रही होती तो बार बार मंत्री मुख्यमंत्री के बाद संगठन का इन्वॉल्व होना और बार बार उनकी तरफ से ये संदेश जाना कि जाइए जनता दरबार लगाइए और अपने लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को सुनिए, ये कहने की नौबत आखिरकार क्यों आन पड़ी है। अगर मंत्रीगण इतने जिम्मेदार हैं अपने क्षेत्र में जाने के लिए तो आखिरकार इस बारे में वो खुद से पहल क्यों नहीं करते, ये सवाल उठता क्यों है, विपक्ष को ये सवाल करने का मौका कहां से मिला। हमारे सहयोगी पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, जिससे पूछो वो तो कहता है हम तो इतनी बार गए, हकीकत क्या है? इसने तो देखिए, आपने अभी देखा होगा जब पिछले साल चुनाव हो रहे थे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो तमाम नेताओं को आपने खुद देखा होगा किस तरह से तमाम नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ऊंची ऊंची पहाड़ियों में पगडंडी नाप रहे थे और किस तरह से वो लोगों के बीच में जाकर अपील कर रहे थे कि हमें वोट दीजिए। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, सरकार बनी, सरकार का गठन हुआ और मंत्रियों को प्रभार दिए गए, ये कहा गया कि मंत्री अपने अपने प्रभारी जिलों में जाकर प्रवास करेंगे, जनता दरबार लगाएंगे। प्रवास का मतलब ये नहीं कि आप जाइए और वहाँ रुकिए और जाकर आप अपना आराम करके आ जाइए, आप लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको जनता से कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको लोगों की समस्याएं सुननी होंगी। लेकिन अभी तक तकरीबन 2.5 महीने ज्यादा का वक्त हो गया है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्रियों को प्रभार दिए थे। उत्तराखंड में 13 जिले हैं और 8 मंत्री हैं, 8 मंत्रियों को 13 जिलों के प्रभार दिए गए हैं। कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनको 2-2 जिले दिए गए हैं और कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनको 1-1 जिला दिया गया। सिर्फ हम 2 से 3 मंत्रियों को छोड़ दें तो कोई भी मंत्री अपने प्रभारी जिले में नहीं गया। इसमें अगर हम सौरभ बहुगुणा की बात करें तो वो अपने 2 जिलों बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में जाकर 4 बार प्रवास कर चुके हैं और रह चुके हैं, लेकिन जनता दरबार उन्होंने भी नहीं लगवाया। वहीं अगर हम धन सिंह रावत की बात करें तो 2 बार वो अपने प्रभारी जिलों में रहे हैं लेकिन जनता दरबार नहीं लगाया। लोगों से कनेक्ट सिर्फ जिला नियोजन की बैठक ही उन्होंने की है, तो जिला योजना की बैठक करके ही आप अपना काम मुक्त कर देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अब लोगों की भी ये मनसा है, लोग भी ये चाह रहे हैं कि सरकार जनता के द्वार जो बीजेपी का नारा है उसके सापेक्ष सरकार आए, जिलों में प्रवास करे और कम से कम लोगों की समस्या का सुनिधि, क्योंकि देखिए कई लोग ऐसे हैं, कई गाँव ऐसे हैं जो जिला मुख्यालय तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं। पौड़ी जिले इतना बड़ा
बड़ा जिला है, वहाँ पर कितनी दूरी पर गांव बने हुए हैं, वो डीएम से मिलने के लिए उसे 2 दिन लग जाते हैं। मंत्री अगर जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों में प्रवास करेंगे, गाँव में रहेंगे, ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, तो उन लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कई जगह स्वास्थ्य सेवाएँ ऐसी चरमराई हुई हैं, लोगों को दिक्कतें होती हैं, कई जगह लोग तमाम कामों को लेकर, योजना के कामों को लेकर, विकास के कामों को लेकर राजधानी के चक्कर काटते हैं, मुख्यमंत्री से मिलने की चाह रखते हैं, उसके साथ साथ ही मंत्री से मिलने की चाह रखते हैं, लेकिन मंत्री राजधानी में अपनी कोठियों में बैठे होते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत हो गई है कि आप प्रभार देने के बाद भी क्यों नहीं मंत्री प्रभारी जिले में जा रहे हैं, क्यों नहीं जनता की समस्या सुन रहे हैं, ये बड़ा सवाल हो गया। इसीलिए कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं कि भाजपा जनता के बीच में जब जाती है, जब उन्हें सत्ता पानी होती है, लोगों के बीच में जब जाते हैं, जब उन्हें चुनाव होते हैं, और वो हमने अभी देखा होगा जब 2021 के लास्ट में चुनाव हो रहे थे, किस तरह से भाजपा और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पगडंडियां नापी, बड़े बड़े पगडंडियों में गए, बड़ी बड़ी जगह लोग जाके दूर दूर दूरस्थ गाँव में जाकर लोगों से वोट मांगे, लेकिन जब अब सरकार बन गई है और प्रभार दे दिए गए हैं, अब सब कुछ बिल्कुल सरकार का संचालन ठीक से हो रहा है, तो मंत्रियों को अपने प्रभारी जिलों में जाकर कम से कम लोगों की समस्या सुननी होगी। सिर्फ लोगों की नहीं है, भाजपा संगठन की भी समस्या है। को तैयार क्यों नहीं है मंत्री गण? देखिए अभी तक तो बारिश का मौसम था, रास्ते खराब थे, लेकिन किस चीज का इंतजार है अपने ही लोगों के बीच में जाने का? देखिए, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक एक कड़क संदेश मुख्यमंत्री की ओर से नहीं दिया जाएगा और सख्त शब्दों में आदेश नहीं होंगे, तब तक मंत्री अपने यहाँ से हिलने की नौबत नहीं उठाएंगे, हिलने के लिए तैयार नहीं होंगे। देखिए, पिछले 2 महीने 3 महीने बरसात में गुजर गए, बरसात के दौरान भी अगर मंत्री दूरस्थ क्षेत्रों में जाते तो उन्हें समस्याओं का पता लगता, सड़क कनेक्टिविटी कैसे टूटी है, कैसे लैंडस्लाइड होता है, किस तरह से लोगों को दिक्कत होती है, पेयजल समस्याएँ कहाँ बाधित हुई हैं, बिजली लाइनें कहाँ टूटी हैं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो उसी दौरान जाकर पता लग पाता है। अब फिर एक बार यहाँ पर शुरू बरसात सीजन शुरू हो गया, शीतकालीन वजह जो भी हो, लेकिन यहाँ पर सोचना ही पड़ेगा कि आखिरकार ये रिपोर्ट ऐसी नेगेटिव क्यों है। शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।